गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड में आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम के प्रकार, हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तुम, वह आता है, निजवाचक सर्वनाम जिसमें वह, यह, ये, वे आते हैं आदि आते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि शब्द आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जिसने आदि आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, किसने, किस, किससे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक शब्द आते हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जो बात कहता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। वो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है, मैं, मुझे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि जो वक्ता है वो क्या है? प्रथम पुरुष है। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिससे बात कही जा रही है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमसे, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष जो है वो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे वह कब आया था, वे क्या कर रहे हैं, तो वह और वे क्या है? अन्य पुरुष है। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत की जाती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत की जाती है, जैसे वह कौन है, यह किसका किताब है, ये क्या कर रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं। तो ये जो संकेत वाचक शब्द है इन्हें क्या कहते हैं? निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका दूसरा नाम संकेत वाचक सर्वनाम भी है, क्योंकि इसमें संकेत किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्द में निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं की जाती, उसमें जो निश्चित वस्तु और व्यक्ति है वो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे भिखारी को कुछ भोजन दो, भिखारी को कुछ पैसे दो या भिखारी को कुछ, जो कुछ शब्द है वो निश्चित नहीं है कि कितना देना है, कितना क्या करना है। पिताजी से मिलने कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है, ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है किसी व्यक्ति ने पुकारा, कौन पुकारा ये नहीं पता है, इसलिए ये क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा, जो और सो, जैसा वैसा, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछते हैं वही क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या, कौन, किसने, किस, किससे, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता के साथ, जिस सर्वनाम शब्द में कर्ता के साथ अपनापन दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि शब्द। रूप रचना, कारकों के साथ सर्वनामों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। यह बदलाव जो होता है लिंग और वचन के कारण होता है। सर्वनामों के रूप परिवर्तन संज्ञा की ही भांति होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। कारकों के साथ सर्वनामों का रूप परिवर्तन हो जाता है।
यह जो बदलाव होता है लिंग और वचन के कारण होता है और सर्वनामों के रूप परिवर्तन संज्ञा की भांति ही होते हैं, लेकिन सर्वनाम और सर्वनाम में जो परिवर्तन होता है वो संज्ञा से थोड़ा सा दूसरे तरह से होता है। सर्वनाम शब्द स्त्री लिंग और पुलिंग दोनों में एक समान रहते हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक शब्द मैं का रूप देखते हैं और कारक की चिन्हों के साथ। कारक है कर्ता, कर्ता का संकेत है कर्ता ने, मैंने एक वचन है मैं और मैंने, बहुवचन हम हमने हम लोगों ने। कर्म का संकेत है को, कर्म मुझे मुझको, एक वचन क्या है मैं का मुझे या मुझको, बहुवचन क्या है हमें हमको हम लोगों को। करण का संकेत है से के द्वारा, मुझसे मेरे द्वारा एक वचन है, जो मैं का एक वचन है करण कारक का वो मुझसे है मेरे द्वारा है और इसका बहुवचन क्या है हमसे हमारे द्वारा। संप्रदान के लिए को, के लिए को इसका संकेत है, मुझे मुझको मेरे लिए, ये एक वचन है किसका मैं का। संप्रदान कारक के साथ जो पुरुषवाचक शब्द मैं है वो मुझे हो जाएगा एक वचन में, मुझको हो जाएगा मेरे लिए हो जाएगा, और बहुवचन में क्या होगा हमें हमको हम लोगों से हम लोगों को। अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, से अलग होने के लिए, अपादान मुझसे यानी कि मैं का अपादान जो रूप है वो मुझसे है और इसका बहुवचन है हमसे हम लोगों से। संबंध का के की, संबंध का के की, मेरा मेरे मेरी मेरे हमारा हमारी हमारे, मेरा मेरी मेरे एक वचन है, हमारा हमारी हमारे बहुवचन है किसका मैं का। संबंध कारक के रूप में मेरा मेरी मेरे और इसका बहुवचन हमारा हमारी और हमारे है। अधिकरण में इसका रूप है मुझसे मुझ पर और इसका बहुवचन क्या है हम में हम पर, हमसे हम पर। वाचक सर्वनाम मैं की तरह संबंधवाचक शब्द जो का भी ऐसे ही कारकों के चिन्ह के साथ एक वचन और बहुवचन का रूप बदलता रहता है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह, कर्ता का संकेत क्या है ने, जो जिसने किसका है जो का, हम लोग देख रहे हैं संबंधवाचक शब्द जो का, जो जिसने एक वचन है, ऐसी का बहुवचन है जो जिन्होंने। कर्म का संकेत है को, इस जिसे जिसको, जो शब्द का कर्म कारक का रूप है जिसे जिसको और बहुवचन है इसका जिन्हें जिनको। करण कारक में जिससे जिसके द्वारा एक वचन है और बहुवचन है जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में जो रूप है वो जिसके लिए जिसको है और उसका बहुवचन है जिनके लिए जिनको और जिनसे। अपादान का संकेत है से अलग होने में, उसका एक वचन है जिससे। अपादान कारक में जो शब्द का जो रूप है वो जिससे है और इसका बहुवचन है जिनसे। संबंध का के की, तो इसका जो शब्द, जो संबंधवाचक शब्द जो है इसका संबंध कारक का रूप है जिसका जिसके जिसकी और इनका बहुवचन है जिनका जिनके और जिनकी। अधिकरण में, अधिकरण का संकेत है में पर, जिस और जो शब्द का रूप है अधिकरण कारक में संबंधवाचक शब्द जो का रूप है जिस जिसमें जिस पर और इसका बहुवचन है जिन पे जिनमें और जिस पर।
ठीक, ऐसे ही संज्ञा शब्द यह, ऐसे ही निश्चय वाचक शब्द यह का भी कारक और वचन चलेगा। कर्ता कारक का संकेत है, कर्ता ने, यह का होगा यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म कारक का इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण कारक का होगा करण कारक का चिन्ह से के द्वारा है, तो इससे, इनके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इसका बहुवचन होगा। संप्रदान कारक का इसके लिए, इसको होगा, और इसका बहुवचन होगा इनके लिए, इनको। अपादान का चिन्ह है अलग होने में, इससे, यह का अपादान रूप होगा, अपादान कारक का रूप इससे, और इसका बहुवचन होगा इनसे। संबंध इसका, इसके, इसकी होगा, और इनका बहुवचन होगा इनका, इनके, इनकी। अधिकरण का यह रूप होगा, इस में, इस पर, और इनमें, इन पर, इसका बहुवचन होगा। ऐसे ही अनिश्चयवाचक शब्द, अनिश्चयवाचक शब्द कोई का भी चलेगा। कर्ता कोई, किसी ने, इसका बहुवचन होगा किन्हीं ने। कर्म का किसी को, और बहुवचन इसका होगा किसी को, किसका, कोई का। करण किसी से, किसी के द्वारा, इसका बहुवचन होगा किसी से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक का रूप होगा किसी को, कोई का संप्रदान रूप होगा किसी को, किसी के लिए, और बहुवचन रूप होगा इसका किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान रूप होगा किसी से, और इसका बहुवचन होगा किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। संबंध कारक का कोई जो सर्वनाम है उसका रूप है किसी का, किसी के लिए, किसी की, और इसका बहुवचन है किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण कारक जो है उसमें कोई का रूप है किसी में, किसी पर, इसका बहुवचन है किन्हीं में, किन्हीं पर। इसी तरह प्रश्नवाचक शब्द कौन का भी चलेगा। कर्ता का रूप है कौन, किसने, और इसका बहुवचन है, बहुवचन रूप इसका क्या है, किन्हों ने। कर्म कारक का कौन का रूप है किसे, किसको, और इनका बहुवचन है किन्हे, किनको। करण कारक का रूप है कौन का, किस से, किसके द्वारा, और इसका बहुवचन है किन से, किनके द्वारा। संप्रदान कारक का रूप है किसके लिए, किसको, किसका रूप है कौन का, और इनका बहुवचन है किनके लिए, और किन, किनको, और किनसे। अपादान का कौन का रूप है किससे, और अपादान कारक का रूप क्या है किससे, और इनका बहुवचन है किनसे। संबंध कारक का रूप है किसका, किसके, और किसकी, और इनका बहुवचन है किनका, किनकी, और किनके। अधिकरण कारक का रूप है किसमें, किस पर, और इसका बहुवचन है किनमें, किन पर। इस तरह संज्ञा शब्द का कारक के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। एक वचन, बहुवचन, लेकिन इसमें लिंग के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता।